तो गाइस आप देख सकते हो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर न्यू ऑटो रिक्शा को ऐड कर दिया गया है और उसी के साथ साथ मेरे को न्यू मॉडिफाइड एंडेवर कार का चीट कोड भी पता लग चुका है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के ऑल न्यू चीट कोड जो इस अपडेट में आने वाले हैं न्यू अपडेट में, क्योंकि गाइस एंडेवर कार को तो ऐड कर दिया गया फाइनली, आपको तो पता ही होगा। अभी मैं आपको उसका गेम प्ले भी दिखाऊंगा और ड्राइव करके दिखाने वाला हूँ, मतलब पूरा रिव्यू दूंगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और गाइस जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना गाइस। तो ये देख सकते हो गाइस अपनी न्यू एंडेवर कुछ ऐसी है, इसकी लुक देखो भाई, पीछे से काफ़ी मस्त लग रही है। तो गाइस मैं आपको इसका चीट कोड अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि कैसी है ये दिखने में। तो गाइस आगे से इसका ये चेंज हो चुका है थोड़ा बम्पर आगे से, पर गाइस मुझे तो ये काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी औसम लग रहा है। तो गाइस आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर से बताना। और गाइस अगर आपको ये वाला ऑटो रिक्शा चाहिए ना, तो गाइस मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो गाइस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कल या परसों, ऑटो रिक्शा की वीडियो आने वाली है। और गाइस आप ना रोहित भाई की कम्युनिटी पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ऑटो रिक्शा के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो वो ज़रूर से ऐड करने वाले ऑटो रिक्शा, और फिर मैं उसका भी गेम प्ले आपको दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको एंडेवर कार का चीट कोड भी बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। और गाइस आप ये भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि अपनी जो ओल्ड वाली एंडेवर कार है वो इस गेम में रहेगी या नहीं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो एंडेवर ऐड हुई है ना, आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर रहे थे ना कमेंट में, इसलिए रोहित भाई ने ऐड कर दिया मॉडिफाइड वाली एंडेवर कार। तो गाइस ऐसे आप ऑटो रिक्शा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना वीडियो पे, तो ऑटो रिक्शा को ऐड कर दिया जाएगा 3 या 4 दिन में, और उसका गेम प्ले वीडियो भी आ जाएगा। अभी तो मेरे पास उसकी फ़ोटो थी इसलिए मैंने आपको दिखा दी, पर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो ऑटो रिक्शा भी ऐड कर दिया जाएगा और उसका चीट कोड भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस अगर आपने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि गाइस मैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के रिलेटेड सारी वीडियो बनाता रहता हूँ, अपडेट से या चीट कोड या RJS टूल में गाइस जो भी न्यू फीचर्स आते हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। और गाइस जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर से कर देना, ताकि आपके और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे वीडियो की। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ न्यू एंडेवर का चीट कोड भी यही होने वाला है 2020, जो कि ओल्ड का होने वाला है। पर आप सोच रहे होगे कि एक ही चीट कोड से दोनों एंडेवर कैसे आ सकते हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये वाली जो एंडेवर है ना ओल्ड, ये इस गेम में से अब रिमूव होने वाली है, क्योंकि अपनी गाइस न्यू मॉडिफाइड एंडेवर आने वाली है ना। इसलिए जैसे गाइस आपको पता होगा 400 से ZX10R और R15 का जो न्यू मॉडल आया ना, तो पुराने मॉडल तो इनके चले गए, पर इनका जो चीट कोड था ना पुराना, वही है इनका चीट कोड। और गाइस मैं आप बता देता हूँ कि अपनी पुरानी और नई एंडेवर में क्या क्या चेंज है। तो गाइस सबसे पहले इसका जो फ्रंट है ना वो चेंज हो चुका है न्यू वाली एंडेवर का, और साइड में से और जो बैक में से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और गाइस अब मैं आपको एक और गुड न्यूज़ बता देता हूँ, आपको पता ही होगा जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन एरिया है, यहाँ पे पहले एक शोरूम था बहुत बड़ा सा, तो गाइस वो शोरूम तो रिमूव कर दिया था, पर गाइस आपने इतनी ज़्यादा डिमांड करी थी ना कमेंट में कि रोहित भाई को दोबारा ऐड करना पड़ा शोरूम, तो गाइस मैं उसकी वीडियो भी आपको बताने वाला हूँ आगे बना के। और रोहित भाई बोल रहे थे कि वो ना मतलब इस बार बिल्कुल चेंज कर देंगे शोरूम का डिज़ाइन, मतलब पुराने वाला शोरूम नहीं रहेगा, बिल्कुल नया कर देंगे गाइस, टेक्सचर डिज़ाइन सब कुछ चेंज करने वाले हैं। और गाइस वो कहाँ रहेगा उसकी लोकेशन तो अभी मेरे को पता नहीं है, तो उसकी लोकेशन जैसे ही आएगा और उसकी वीडियो आएगी तो मैं आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए इंडियन बाइक की। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्रेन को कैसे चला सकते हो, तो आपको सबसे पहले जाना है स्मॉल वाले जेट पैक से ऊपर, तो इधर मैं जाता हूँ सबसे पहले। गाइस क्रेन काफ़ी ऊँचाई पर है, अगर मैं यहाँ से गिरा तो सीधा ये मर ही जाएगा मेरा बंदा, तो मैं ऊपर जाता हूँ यार सबसे पहले। तो गाइस मेरे को ना अभी यहाँ पे चढ़ना तो आ चुका है, यहाँ पे मैं ना जेट पैक से यहाँ पे ट्रिक है ये गाइस। तो गाइस अगर आपको ऐसी और ट्रिक पता हो ना इंडियन बाइक की तो आप कमेंट में ज़रूर बता देख रहे हो मेरे को, तो फिर मैं उनको देख लूँगा। तो गाइस ये तो ट्रिक है कि हम क्रेन पे चढ़ सकते हैं, पर गाइस ड्राइव का तो यहाँ पे है ना मेन कि गाइस हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं इसको।
तो यहाँ पे देखो एक गेट लगा हुआ है गाइस यहाँ पे शायद, तो यहीं पे गाइस इसको कंट्रोल करने का होगा क्रेन को। तो अब जैसे मैं यहाँ से जाता हूँ ना, तो गाइस हम नीचे नहीं जा पाते। ये देखो आप यहाँ से देखो भाई ये क्या हो गया। तो गाइस अगर आपको कोई ट्रिक ऐसी पता हो कि हम इस क्रेन को कैसे ड्राइव कर सकते हो, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना। यहाँ से देखो जैसे मैं जाने की कोशिश करता हूँ ना, यहाँ से ये सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ से यार मेरे को नीचे गिर जाता है बंदा, और गाइस ये अब सीधा मरने वाला है, यहाँ पे मर चुका है। तो गाइस क्रेन ड्राइव करने का ऑप्शन तो नहीं आया इस अपडेट में, पर गाइस हम उस पर चढ़ तो सकते हैं अभी, पर अब कुछ ट्रिक हो तो ड्राइव भी शायद हम कर पाए आगे जाके। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं आपको जो लेटेस्ट अपडेट आए थे उन सब की चीट कोड बता देता हूँ। तो सबसे पहले 9191 से थार आ जाती है अपनी, न्यू वाली आई थी जो अपने इसी अपडेट में। तो गाइस 3001 से बोट आ जाएगी आपकी, और 2020 से ये वाली एंडेवर आती है, पर गाइस ये इस अपडेट में रिमूव हो जाएगी, इसकी जगह न्यू वाली आएगी मॉडिफाइड। और 400 से वो वाली आ जाएगी ZXTNR, 0015 से R15। और गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी जो न्यू एंडेवर है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुरानी एंडेवर पसंद आ रही होगी, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि उसको क्यों रिमूव करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो हमारी न्यू एंडेवर ऐड हो ही रही है इस गेम में। तो गाइस जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपनी ये वाली थार एक तो, क्योंकि गाइस दो दो कार हो रही है ना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में, ये देखो जैसे दो तो थार हो गई गाइस, और दो स्कॉर्पियो भी है अपने गेम में, एक तो गाइस 333 से आती है, 444 से। मतलब गाइस इस गेम के ना नहीं MB बढ़ जाती है गाइस, 3-4 MB और तो कुछ बात नहीं है। और गाइस अब ये गेम ना बोरिंग लगने लग जाएगा, अगर हर गाड़ी दो दो होगी तो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए जो डेवलपर है वो एक ही एंडेवर ऐड कर रहे हैं और एक को रिमूव कर रहे हैं। और गाइस वैसे भी मॉडिफाइड एंडेवर है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है उसे ड्राइव करने में। और 1001 से ये देखो फॉर्चुनर आती है, मतलब गाइस दो फॉर्चुनर अपने गेम में, दो थार और दो स्कॉर्पियो, इसलिए गाइस डेवलपर एक ही एंडेवर रखना चाह रहे हैं फिलहाल के लिए। बाकी अगर उनका माइंड चेंज हो गया तो पता नहीं मेरे को, पर फिलहाल के लिए अभी ओल्ड वाली को रिमूव कर दिया जाएगा। और आपको गाइस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ये अपडेट, और गाइस आपको क्या क्या ऐड करवाना है कमेंट ज़रूर करना। और गाइस ऑटो रिक्शा तो आने ही वाला, वैसे आप कमेंट तो कर ही रहे हो वैसे, क्योंकि रोहित भाई ने कल या परसों पूछा था तो बहुत कमेंट आ गए, पर आप गाइस इस वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ गाइस, सबसे पहले आपको कोई सी बाइक स्पॉन करनी है और फिर 5555 लिख के घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन कर लेना है। तो गाइस आप ना इसकी जैसे बॉडी आगे से नहीं दिखती ना हमको जब ये चलता है नीचे, जैसे बाइक पे तो हम रोटेट कर सकते हैं 360 कैमरे पर, गाइस वैसे नहीं दिखता। तो गाइस आपको जाना है घोस्ट राइडर बाइक से, जैसे टक्कर लगते समय एकदम उतर जाना है और पहले इन्फिनिट हेल्थ कर लेना, नहीं तो ये मर जाएगा। तो अब देखो गाइस ये होते हुआ ग्लिच हमारे गेम में, अब गाइस पूरा 360 कैमरा हो चुका है हमारा, अब हम इसको आराम से देख सकते हैं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का कैसा दिखता है करेक्टर अपना। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट अपडेट में।